भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2019 के बाद से बदलाव के दौर से गुजर रही है। जहां वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए चयनकर्ताओं ने युवा चेहरों पर दावा लगाया है, वहीं कोचिंग स्टाफ भी इस बदलाव से अछूत नहीं रहा है। हालांकि रवि शास्त्री समेत पूरे कोचिंग स्टाफ का कार्यालय वेस्ट इंडीज दौरे तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन नए कोचिंग स्टाफ को लेकर हलचल तेज है। बीसीसीआई के मुख्य कोच समेत नए कोचिंग स्टाफ के लिए 30 जुलाई तक आवेदन मांगे गए थे। आवेदन भेजने की समय सीमा अब खत्म हो चुकी है और अब टीम इंडिया को कोच बनने की रेस में 3 दिग्गजों के नाम सामने आए हैं, जिसमें मौजूदा कोच रवि शास्त्री का नाम भी शामिल है, जिनके कार्यालय की टीम में आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। टीम इंडिया को कोच बनने की रेस में 2 मेन विदेशी नाम सामने आए हैं, वहीं भारत की ओर से रवि शास्त्री भी इस रेस में बने हुए हैं। रवि शास्त्री को इस पद के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मौजूदा कोच होने के नाते वे स्वतः ही आवेदनकर्ता मान लिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं इन दिग्गजों के बारे में। सबसे पहला नाम है टॉम मूडी। अगर टॉम मूडी की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया को कोच बनने की रेस में काफ़ी आगे हैं। 2001 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन एंड कोच के अध्यक्ष बने। साल 2005 में भी वे भारतीय क्रिकेट टीम को कोच बनने की होड़ में थे, लेकिन इसी बीच उन्हें मई में श्रीलंका क्रिकेट टीम को कोच चुन लिया गया। इस दौरान उन्होंने बेहद कम समय में गहरी छाप छोड़ते हुए टीम को अप्रैल 2007 में फाइनल में पहुंचाया। उसके अगले ही महीने उन्होंने श्रीलंकाई टीम को कोच पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आईपीएल के पहले सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब को भी कोचिंग दी थी। अगर हाल ही में बात करें तो जून 2019 में मूडी को कैनेडा T20 लीग की टीम मॉन्ट्रियल टाइगर्स का कोच भी बनाया गया है। तो वहीं अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे दावेदार, जो कि हैं महिला जयवर्धन। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर दिग्गज रह चुके महिला जयवर्धन कम समय में इंग्लैंड के सहायक कोच भी रह चुके हैं। ऐसी खबर भी है कि जयवर्धन 100 टूर्नामेंट में साउथहैम्पटन के फ्रेंचाइजी ब्रेव के मुख्य कोच भी बन सकते हैं। मुंबई इंडियंस के साथ काम करके उनके पास अच्छा कोचिंग अनुभव है। महिला जयवर्धन ने मुंबई इंडियंस का कोच बनने के बाद टीम ने 3 से 2 सीजन में खिताब जीता है। महिला जयवर्धन ने श्रीलंका को 149 टेस्ट में 11,814 रन हैं, जबकि 448 वनडे में 12,650 रन हैं उनके बल्ले से निकले। तीसरे नंबर पर हैं रवि शास्त्री। रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के ऐसे खिलाड़ी रह चुके हैं जो सुर्खियों से कभी दूर नहीं रहे। बतौर क्रिकेटर खेल को अलविदा कहने के बाद भी रवि शास्त्री 1995 में मुंबई में वर्ल्ड कप मास्टर टूर्नामेंट में टीवी कमेंटर के तौर पर अपनी नई पारी शुरू की थी। हालांकि शास्त्री को नई पहचान तब मिली जब उन्होंने और सुनील गावस्कर ने ISPN स्टार स्पोर्ट्स के साथ अप्रैल 2008 में लंबे समय से चल रही कमेंट्री का अनुबंध खत्म करा था। इंडियन प्रीमियर लीग के लिए BCCI से अनुबंध कर लिया। 2007 में उन्होंने बांग्लादेश दौरे के लिए अस्थायी तौर पर टीम इंडिया को कोच चुना गया। जुलाई 2017 में शास्त्री को क्रिकेट सलाहकार समिति ने भारतीय टीम का कोच हेड कोच बना दिया। इस समिति में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली और VVS लक्ष्मण जैसे दिग्गज शामिल थे। रवि शास्त्री को इस काम के लिए हर साल 8 करोड़ रुपए देने तय हुए थे, जो उनसे पहले टीम के कोच को अनिल कुंबले को 1.5 करोड़ दिए जाते थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से प्रतिष्ठा की रिपोर्ट।